जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। दोस्तों सुपर संडे के दिन दो मुकाबले खेले गए टाटा आईपीएल 2022 में। यह दोस्तों पहला मुकाबला था मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, तो दोस्तों वहीं दूसरा मुकाबला था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच में। जहां दोस्तों यह मुकाबले के बाद जो सबसे बड़ा झटका लगा है तो दोस्तों वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस को लगा है। तो दोस्तों क्या हाल है पॉइंट्स टेबल का, इसी के बारे में चर्चा करने वाले। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें संडे के मुकाबले के, तो दोस्तों बता दें कि पहला मुकाबला जो कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया है। यह दोस्तों इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार 4 विकेटों से जीत दर्ज की। वहीं दोस्तों बात करें दूसरे मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच में, यह दोस्तों यह मुकाबला पंजाब किंग्स ने शानदार 5 विकेटों से जीत दर्ज की। तो दोस्तों इस तरह से 6 टीमें जो कि अपना पहला मुकाबला खेल चुकी है। तो दोस्तों क्या हाल है पॉइंट्स टेबल का, तो दोस्तों सबसे बता दें कि नंबर 1 पर पॉइंट्स टेबल में है दिल्ली कैपिटल्स, जहाँ दोस्तों एक मुकाबला खेली है और वह मुकाबला जीती है और पॉइंट से 2। वहीं दोस्तों नंबर 2 पर है पंजाब किंग्स, जहाँ दोस्तों एक मुकाबला खेले है और वह मुकाबला जीते हैं और पॉइंट से 2। वहीं दोस्तों नंबर 3 पर है कोलकाता नाइट राइडर्स, जहाँ दोस्तों एक मुकाबला खेले है और एक मुकाबला जीते हैं और पॉइंट से 2। तो दोस्तों यह टॉप 3 टीम अभी। वहीं दोस्तों बात करें नंबर 4 पर गुजरात टाइटंस से, जो कि मुकाबला भी नहीं खेली एक भी। लखनऊ सुपर जायंट, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद भी अपना पहला मुकाबला नहीं खेले हैं। वहीं दोस्तों बात करें नंबर 8 पर है चेन्नई सुपर किंग, जहाँ दोस्तों एक मुकाबला खेले और हारे हैं। वहीं दोस्तों बता दें कि नंबर 9 पर है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जहाँ दोस्तों एक मुकाबला खेले और अभी हार चुके हैं। वहीं दोस्तों बात करें सबसे नीचे पॉइंट्स टेबल में है मुंबई इंडियंस, जहाँ दोस्तों मुंबई इंडियंस ने एक मुकाबला खेली है और वह भी हार गई है। तो दोस्तों यह है अभी का पॉइंट्स टेबल का हाल। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।